दोस्तों, पिछले कुछ समय में हमने ये सुना है कि बहुत सारे लोग कंपनियों के इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उसके शेयर कैपिटल खरीदना चाहते हैं, और कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप्स के थ्रू अपना ओनर बनाना चाहता है। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जितने भी शार्क्स रहते हैं वो कंपनीज में इक्विटी परचेज करना चाहते हैं। बट क्या आप जानते हैं लोग बाग अपने इस कंपनियों के इक्विटीज में इतने इन्वेस्टेड क्यों है, इतना इंटरेस्टेड क्यों है, और ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को खुद आगे बढ़ के ये ईसॉप्स क्यों इशू करती है? सो आइए देखते हैं और समझते हैं ईसॉप क्या चीज है, ईसॉप क्यों कंपनियां देती हैं, और उससे एम्प्लॉयज को क्या फायदा होता है। सबसे पहले बहुत बेसिकली ईसॉप का मतलब क्या होता है, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इट इज अ प्लान वेयर बाय एक एम्प्लॉय के दर्जे से निकलकर एक अपनी कंपनी का ओनर बन सकता है। लेकिन ये कंपनीज के जो प्रमोटर्स होते हैं, मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ऐसे ईसॉप्स क्यों इश्यू करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को एज एन एम्प्लॉय क्यों नहीं रहने देते और ओनर क्यों बनाते हैं? आइए पहले ही समझते हैं इसका क्या फायदा है एक कंपनी को। आजकल ईसॉप्स एक बहुत ही भरोसेमंद और एक फायदेमंद तरीका बन गया है अपने एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेट करने का। जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई उनका सैलरी पैकेट डिसाइड करती है, अगर उनको लगता है कि ये एम्प्लॉय बहुत ही टैलेंटेड है और ये फ्यूचर के लिए कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, तो कंपनी उसके CTC पैकेज के अंदर ही ईसॉप प्लान्स को इंक्लूड कर लेती है। या फिर अगर उनको लगता है कि ये एम्प्लॉय 4-5 साल काम कर चुका है और इसका ग्रोथ अच्छा है और ये कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आगे जाके, तो उसके इंक्रीमेंट्स के अंदर भी कंपनीज उनको ईसॉप प्लान्स इशू कर सकती है। बट ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी छोटी कंपनीज होती हैं या फिर मिड साइज फर्म्स होती हैं, उनको जो टैलेंट हायर करना होता है या रिटेन करना होता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको किस तरीके से अपनी कंपनी में रोका जाए। ईसॉप इज वन ऑफ दोज वेज वेयर बाय अ एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द कंपनी और विल ज्वाइन द कंपनी एज वेल एट अ वेरी लोअर प्राइस। इसको इशू करने की वजह से कंपनीज का कैश आउटफ्लो डायरेक्टली नहीं होता है, उनको डायरेक्टली उनको पैसे नहीं देना पड़ता, बट वो टैलेंट को हायर कर पाते हैं। और दूसरा फायदा कंपनी को ये लगता है कि अगर एक एम्प्लॉय को ईसॉप दे दिया, यानी कि उस एम्प्लॉय के अंदर एज एन ओनर वाली फीलिंग आएगी और उसको लगेगा कि जितना ज्यादा वो खुद काम करेगा उतना ज्यादा ग्रोथ करेगी कंपनी और उतना ही ज्यादा उसका ईसॉप की वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो इट इज एन इनडायरेक्ट बेनिफिट टू बोथ कंपनी एंड एम्प्लॉय। पर अगर अपन समझे फ्रॉम द एम्प्लॉय एंगल, ये तो कंपनी ने अपने एंगल से सोच लिया, बट एक एम्प्लॉय ईसॉप क्यों लेगा अपने पैकेज के अंदर? अब इसके अंदर भी एक डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। आपने ये देखा होगा कि हर साल कंपनी आपको इंक्रीमेंट देती है, ग्रोथ देती है, 5%, 10%, 20% में भी आपकी सैलरी डबल भी कर सकती है। बट क्या ये जो ग्रोथ आपकी हर साल हो रही है, क्या उस कंपनी की ग्रोथ के बराबर है? क्या वो उसको कंपनसेट करती है? अगर आपकी कंपनी 100% ग्रोथ कर रही है तो भी आपको 10% या 20% इंक्रीमेंट ही मिल रहा है। तो यहाँ पे ईसॉप आने की वजह से एम्प्लॉय को लगता है कि जितनी मेरी ईसॉप की वैल्यू थी, अगर कंपनी 100% ग्रो करेगी तो मेरी ईसॉप की वैल्यू भी 100% ग्रो हो जाएगी। तो मेरा जो बेनिफिट है यहाँ पे ईसॉप के थ्रू, वो कंपनी के ग्रोथ के साथ मैच करता है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है एम्प्लॉयज का ईसॉप को ऑप्ट करने का। आइए समझते हैं ईसॉप पूरा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन उस प्रोसेस को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हु इज एन एलिजिबल एम्प्लॉय। एलिजिबल एम्प्लॉय कैन बी इधर फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी और आफ्टर सर्विंग सम सर्टेन पीरियड और कंडीशन इन द कंपनी ऑलरेडी। ये एक कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी के लिए कितने बेनिफिशियल और आगे ग्रोथ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट अ मैनेजमेंट कैन मेक अ डिसीजन कि वेदर टू प्रोवाइड यू ईसॉप्स इन योर CTC पैकेज और नॉट। नाउ जब ये ईसॉप्स जब किसी एलिजिबल एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, दीज आर नोन एज ग्रांट्स, एंड दीज ग्रांट्स आर नॉट शेयर, दीज आर ओनली एक ऑप्शन प्लान गिवन टू द एम्प्लॉय। दीज ग्रांट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू स्टॉक्स द वेरी नेक्स्ट डे। नाउ जब ये ग्रांट्स दिए जाते हैं,
तब कंपनी उसके साथ एक शेड्यूल भी देती है कि ये ग्रांट्स कैसे 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 आपके धीरे धीरे स्टॉक्स में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रांट्स के लिए ये लिखा हुआ हो सकता है कि इफ यू वर्क फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स तो आप 100 शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर अगर आप 4th ईयर तक काम करेंगे तो आप एडिशनल 50 शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप 5th ईयर तक काम करेंगे तो आप टोटलिटी में 200 शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो दिस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स इज नोन एज योर वेस्टिंग पीरियड। और ये जो शेड्यूल बना हुआ है 3rd ईयर का, 4th ईयर का, 5th ईयर का, या फिर जो डिफाइन करता है कि आप कहो कैसे कैसे ये चीजें वेस्ट होंगी, उसे कहा जाता है वेस्टिंग शेड्यूल। इसी वेस्टिंग शेड्यूल के अंदर आपको एक प्राइस भी दी जाती है, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। ये एक ऐसी प्राइस होती है जो प्री डिटरमाइंड होती है आज की तारीख में कि आप कंपनी के शेयर्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे इन ग्रांट्स को तो आप किस प्राइस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज की तारीख में आपको ईसॉप्स ग्रांट्स मिले हैं विच हैज गिवन यू एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1000 रुपीज पर शेयर और आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज राइट नाउ एट 700 रुपीज पर शेयर, आपका वेस्टिंग आएगी 3 साल बाद, तब हो सकता है उसकी मार्केट प्राइस होगी 1000 से बढ़ के 2000 रुपए या 3000 रुपए। जब आपके पास 3 साल बाद अब आप जब इसको एक्सरसाइज करेंगे एट दैट एक्सरसाइज प्राइस, तब भी आपको 3000 रुपए ना देने की जगह आपको सिर्फ 1000 रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि आपकी प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट 1000 रुपीज। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट टू द एम्प्लॉय बिकॉज दे कैन परचेज दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट। बट प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज जस्ट एन राइट गिवन टू द एम्प्लॉय एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। इफ इन केस मार्केट प्राइस 1000 की जगह गिर के वो और 500 रुपए पे आ जाती है, इट इज द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय की उसको वो एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करता है तो वो उस एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है। ऑल्सो आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड इन 3 साल या 4 साल या 5 साल का जो शेड्यूल है आप में वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक एक्सरसाइज पीरियड दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ही आपका राइट को एक्सरसाइज करना है। अगर आप उस एक्सरसाइज पीरियड के अंदर वो अपना राइट क्लेम नहीं करते हैं, अपने ग्रांट्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, देन आपके ईसॉप्स या तो लैप्स हो जाते हैं या फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं ईसॉप्स इशू कैसे किए जाते हैं, एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है इसके लिए। सबसे पहले जो एम्प्लॉयर होता है उसको जितने भी उसको अपने शेयर्स इशू करने हैं अंडर द ईसॉप थॉट प्रोसेस, वो उसको एक डिफरेंट ट्रस्ट फंड के अंदर डाल के रख लेना पड़ता है। अब जब भी वो ईसॉप इशू करता है वो उस ट्रस्ट फंड में से वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स का प्लान उठाता है, प्लान बनाता है एंड देन वो आगे इशू कर देता है। अब समझते हैं ईसॉप्स कब हटे आ जा सकते हैं या फिर कैश आउट हो जाते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कंपनी से रिजाइन कर देता है तो ये जितने भी उसको ईसॉप्स मिले हुए होते हैं द कंपनी बाइज देम बैक अगेन। सो हेयर द कंपनी बिकम्स अगेन दीज ईसॉप ओनर्स एंड दे पे आउट द इक्विवेलेंट अमाउंट टू द एम्प्लॉय। सो अगर वो कंपनी छोड़ के भी जा रहे हैं तो उसका पेमेंट उसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने की ये है कि ये सब करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कंपनी ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो वो नॉन कंप्लायंसेस कहलाता है अंडर सेबी एक्ट एज वेल एंड अदर कंपनी एक्ट एज वेल, और उसके लिए उसको बहुत सारे पेनल्टीज भी पे करने पड़ सकते हैं। थर्डली, द कंपनी ऑल्सो नीड्स टू कीप इन माइंड कि इन सब की मॉनिटरिंग के लिए, इन सब के ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उसको एक इंडिविजुअल पर्सनल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है जो उसको या तो इंटरनली हायर करना पड़ेगा या फिर उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। सो दिस विल आल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ईसॉप क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से इसको एक्सरसाइज किया जाता है, क्या इसके टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो में बताए हुए कंटेंट इज गुड इनफ फॉर यू, Do not forget to press the like button, and if in case you still have subscribed to my channel, do not forget to subscribe to me. Thank you so much.